वेलकम टू राजन आईटी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखते हैं मैथ का क्वेश्चन है ना, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखते हैं सीएटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप भी सीएटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मैथ में यूजफुल होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है सीएटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं, ऐसे भी मैथ आप सीखेंगे तो कोई भी एग्जाम में आप बना पाएंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या करना है, सरलीकरण में किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और उसको कैसे बनाना है वो जानते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक कोष्टक का भाग गुना जोड़ घटाओ, सिंप्लीफिकेशन पे आपको यही मिलेगा। क्या मिलेगा, जोड़ घटाओ भाग गुना, ब्रैकेट वाला जिसको बोलते हैं मंझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, छोटी ब्रैकेट, उसके बाद जो है रेक्टरिंग वाला, इस टाइप ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है। पहले अगर रेखा कोष्टक रहे तो पहले उसको बनाना है, आगे हम बताते जाएंगे क्वेश्चन में क्या है। कोष्टक रहे तब पहले बनाना है, का लगा रहे तब पहले का की क्रिया होगा, फिर भाग का, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, फिर घटा का, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। अब इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। अब इस ये सबको समझते हैं, ठीक है, सबको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, का मतलब क्या, ये सब क्वेश्चन में आपको हम समझा देंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को स्क्रीन पे लिख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, 400 का 5 प्लस 25, 400 है का 5 प्लस 25, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिखेंगे 400 काम इस क्या होता है, गुना गुना प्लस 5 प्लस 25, ठीक है। यहां हो गया 4 × 25 2000 प्लस 25, कितना हो गया 2025, ठीक है। मतलब क्या है कि का लगा था, काम इस क्या दिए हम, गुना दिए, ठीक है। और आगे क्वेश्चन हम देख रहे हैं किस प्रकार से इस टाइप में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें आगे क्वेश्चन है 400 4004 - 4000 / 10, ठीक है, को हल करो। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, देखिए यहां पे ये जो है घटाव का चिन्ह है और ये क्या है, भाग का चिन्ह, ठीक है, भाग का चिन्ह और ये घटाव का चिन्ह। अब यहां पे इसी के लिए वहां पे उन्होंने लिखा था कि पहले का की क्रिया करना है, पहले का फिर भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर घटाव, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले भाग की क्रिया करना है, ठीक है, पहले भाग को। तो इसको यहां से उतारेंगे 4004 - 4000 भाग, मतलब भाग गुना में बदल गया, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाएंगे, जिनको समझ में ना आए उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे तो डायरेक्ट यहां से भाग देंगे, भाग बदलता है गुना में, ठीक है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, एक, ठीक है। तो भाग जब गुना बदलता है तो नीचे वाले कहां जाता है, ऊपर, और ऊपर वाले नीचे, ठीक है। अभी ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी क्या बचा, अभी बचा दाएं दाएं सैकड़ा हजार, 4004 - 400 ये बचाना और कुछ नहीं बचा। अब इसमें इसको घटा देंगे, अब इसमें इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें इसको जब घटा रहे हैं तो क्या होगा, 4063 इतना हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए ये, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे,
तो पहले हम इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। इसलिए कि ये जो लेवल है, ये लेवल सेट सेंटेंस एग्जाम के लिए है, इसलिए इसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा हार्ड आएगा नहीं तो क्यों बनाएंगे। अगर ये है तो आप क्या करेंगे इसके लिए, आप क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए तो एक सिंपल तरीके से 5 और 3 ये दोनों का आप क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 अंक का है तो डायरेक्टली आप गुना भी कर देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें आपको पहले क्या करना एलसीएम निकालना है। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15, कितना होगा 15 होगा, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, नीचे में क्या है 5, अब 5 को कितने बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 5 जो है कितने बार में इसको काटेगा 15 को, ठीक है, तो 5 * 15 3 बार, कितना बार 3 बार, तो 2 को भी कितना से गुना करेंगे 3 से, तब क्या होगा 3 × 6 प्लस 3 के कितने बार पढ़ेंगे 15 आएगा, 3 × 5 = 15 5 बार, ठीक है, तो 4 को भी कितना से गुना करेंगे 5 से, 4 × 5 = 20, इसका आंसर कितना आ गया 26/15 26/15, ठीक है। 26/15 को आप पूर्णांक में लिख सकते 15 × 15, ठीक है, और 11 यानी 1 = 11/15, ये इसका क्या हुआ आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाना है। आगे आगे जो क्वेश्चन नंबर रहेगा किस प्रकार का, और इसमें देखते हैं आगे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो ये आपको रह सकता है 3/4, ठीक है, प्लस 1/8 भाग 3/8, ठीक है। इसके बाद इसको कहेगा हल करें, यहां इतना बराबर पार, तब इसको कैसे बनाएं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि पहले का की क्रिया, उसके बाद भाग की, उसके बाद गुणा की जोड़ की, पहले यहां क्या है भाग, तो आपको क्या करना है 3/4 को ऐसे ही रहने देना है, प्लस का चिन्ह है प्लस 1/8, ठीक है। भाग जो है ये किसमें बदलता है गुणा में बदलता है, किसमें बदलता है गुणा में, ये जब गुणा में बदलता है तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाता है ऊपर चला जाता है, ठीक है, और ऊपर वाला कहाँ चला आता है नीचे चला आता है, ठीक है। चलिए अब अगर कटता है तो आप काट सकते हैं, ठीक है, देखिए 8 से 8 कट गया क्योंकि ऊपर नीचे कटता है, 3 से 3 भी काट सकते हैं, कटेगा नहीं काट सकते, इसलिए नहीं काट सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे तब काटेंगे जब चिन्ह गुना का रहेगा, यहाँ जोड़ का चिन्ह है इसलिए इससे ये नहीं कटेगा, अगर यहाँ गुना का चिन्ह रहता तो 3 से 3 भी कट जाता, तो नहीं कटेगा। तो अभी क्या बचा, ऊपर में क्या है 1, यहाँ क्या है पहले लिखिए 3/4 प्लस दीजिए, ऊपर में क्या है 1, नीचे में क्या बचा 3, ठीक है, फिर आगे आपका 3/4, तो अब क्या करेंगे इसका फिर एलसीएम कितना 12, चार दिया 12 3 बार में, इसको भी 3 से गुना करेंगे, 3 * 9 प्लस का निशान है प्लस, 3 * 4 = 12 4 बार में, तो इसको भी 4 से गुना करेंगे, ठीक है, ये क्या हो गया 9 * 4 = 13 13/12, इसका मतलब ये हुआ इसको क्या लिखेंगे 1/12, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप ये सभी टाइप का क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में मिलेगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 5 * 2/5 प्लस 8 * 1/4 माइनस 6 * 1/3 बराबर वाट, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखिए यहां से
ये चाहे तो आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ से इसको हम देखिए सिंपली जो है ज्यादा सॉर्ट करने में जिन लोग का मैथ समझ में कम आता है ज्यादा सॉर्ट करने में दिक्कत होगा, इसको इससे गुना करेंगे, 5×5=25 और 2×27/5 प्लस 8×4=32 और 1×33/4 माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस देंगे, 6×3=18 1×19/3। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका 5×4=3 का एलसीएम 4×5=20 आएगा, कितना एलसीएम आएगा 60, एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है, तो 60 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम कहां से निकालें, तो 5×4=3 इसका एलसीएम यहां से निकालेंगे, ठीक है, कितना बार नहीं लगेगा तो इसको गुना करके हम लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद अब यहां से इसको भाग देंगे और जितना बार आएगा उतना बार यहां गुना करके दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को आप इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है, ये इसका जो है आंसर आएगा, सॉल्व कर दें क्योंकि इसको गुना करने में वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता, थोड़ा हम समझा देते कि ये कहां से आया, वैसे तो इस आसान है सबको आता होगा, देखिए यहां से पहले मैंने इसका एलसीएम निकाला, लघुत्तम जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना आया 60, अब 60 कैसे निकाला, तो 5×4=3 ये किसी से नहीं लगेगा तो इसको गुना कर दिए, 5×4×3 कितना आ गया 60, ये एलसीएम आ गया, ठीक है, अब क्या करना है, ये जो नीचे वाले हैं हर इसको इससे भाग दे के देखना है कितने बार में 60 कटेगा, तो 12×5=60 बारह बार में, तो इसको भी गुना करना है कितना 12 बार, यानी 27×12 ये किए तो यहां लिख दिए 84×8=24×8=32 प्लस का निशान था, प्लस का निशान यहाँ हुआ, इसको इससे भाग दिए, ठीक है, 15×4=60 चार से भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना बार में कटेगा 15 बार में, तो 33 को भी क्या किए हम 15 से गुना कर दिए, ठीक, 15×45=5 × 4=49 माइनस था यहाँ से इसको भाग दिए 20 आ गया, तो यहाँ पे गुना क्या कर दिए हम 20×19, ठीक है, अब यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ये 324 ये कहाँ से आए, उसके बाद ये दोनों को जोड़ देंगे और उसके बाद 380 को घटा देंगे तब कितना आएगा 439/60 आएगा, ठीक है, उसके बाद इसको इसमें बदल देंगे पूर्णांक में, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आगे का क्वेश्चन 5+2×3+3 क्या होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए पहले गुणा की क्रिया करना है, क्या होगा 5+3×6+3 6×3=9 5×14 कितना आंसर आएगा 14 आंसर आएगा, ठीक है 14। अब ये नहीं सोचिएगा इतना आसान नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं सोचिएगा, हम वीडियो में आसान से आसान भी बताएंगे, थोड़ा सा हार्ड से हार्ड भी बताएंगे, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में आ जाए, ठीक है, चलिए तो इसका ये आंसर होगा, इस टाइप का अगर रहता है तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन दे देगा और यहाँ पूछेगा इतना बराबर पार्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, या तो हल करें लिख देगा, तो इसमें आपको क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जहां का लिखा रहेगा पहले उसकी क्रिया कर दे उसके बाद भाग का, चलिए यहां हो गया 9 -11/9 का मिस होता है गुना, गुना का चिन्ह 36/11 उसके बाद भाग का मिस हो गया 36/7 का मिस गुना 7/9, ठीक है, चलिए यहां से हम इसको काट सकते हैं, हालांकि भाग है तो यहाँ डायरेक्ट उल्टा कर सकते बट पहले का की क्रिया होता है, ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे काट सकते 9×4=36 7×7=33 क्या बचा, अब यहाँ पे 9 -11/9 × 36/11 भाग बदलता है गुना में, मैंने पहले बताया था, तो नीचे वाले ऊपर जाता है ऊपर वाला नीचा, इसके नीचे में क्या है, क्या है एक, कुछ भी नहीं है तो एक है, ऊपर में क्या है 4, ठीक है, तो 4 नीचे आ गया और एक ऊपर चला गया, ये 4 नीचे आ गया, ठीक है, अब
यहां सब इसको आप काट सकते हैं। गुना में ऊपर नीचे कटता है, ये 11 से ये 11 कट गया, ठीक है, 11 से 11 कट गया, 9 चौक 36, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया 9 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 8। इसका आंसर क्या आ गया 8 आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना ही आना है, हमेशा आते रहता है ना, पिछली बार भी काफी सारा क्वेश्चन जो है इससे आया था, पूछा गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग का, आप लोग को समझ में अगर आता है क्वेश्चन है ना तो कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आगे वीडियो बना लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।